जौनपुर के बाद चंदौली में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा जिनको असल में जरूरत उन तक पहुंचाई योजना। वाराणसी में मायावती ने सपा और बीजेपी को घेरा, सपा पर बोला हमला, कहा सपा और बीजेपी की सरकार में दुखी रही जनता। अखिलेश की जनसभा में पहुंची ममता बनर्जी, बीजेपी पर कसा तंज, कहा यूपी में खेला हो गया। मेरठ में सरफा कारोबारी ने खुद को मारी गोली, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सातवें और अंतिम चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट अपील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद टीडी कॉलेज में जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को अपनी योजनाओं से अवगत कराया, इसी के साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी के वाराणसी में जनसभा को संबोधित कर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता दुखी रही है। आगे कहा कि बसपा के लिए अपने दम पर सभी सीटों पर यह चुनाव लड़ रही है। दावा किया कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में उतरी है। सातवें चरण के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने चौबेपुर के संधा में कांग्रेस, सपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वाराणसी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपी में खेला हो गया। उन्होंने मन से सपा की जीत और बीजेपी को खदेड़ने का नारा भी लगाया। कहा कि जब मैं बनारस एयरपोर्ट से घाट जा रही थी तो बीजेपी के गुंडों ने मेरी गाड़ी रोकी, उन्होंने मेरी कार पर डंडे मारे और कहा कि यहाँ से वापस जाओ। तब मुझे ये एहसास हुआ कि बीजेपी यूपी में कितनी हताश और निराश है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारी है, यूपी में भी बीजेपी को हराना है। लखनऊ में लॉ मटेरियल ग्राउंड में चल रही गदर 2 की शूटिंग के दौरान सुबह से बुलाए गए लखनऊ के लोकल आर्टिस्ट, जिनको शाम तक खड़ा रखा गया और अंत में कास्टिंग टीम की तरफ से फ्री में काम करने को कहा, जिसका विरोध लखनऊ के कलाकारों की तरफ से किया गया। बता दें कि मुंबई से आई टीम को लखनऊ में सब कुछ काफ़ी कम दरों पर उपलब्ध हो जाता है, जैसे लोकेशन, क्राउड, कलाकार, तो वहीं पर आज ग्राउंड में कलाकारों को बुलाने के बाद ना तो उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया गया और यहां तक कि डायरेक्टर ने कलाकारों से फ्री में काम करने को कहा, जिसका विरोध कलाकारों ने शूटिंग के दौरान जमकर किया। अमेठी के जगदीशपुर नेशनल हाईवे के पास सड़क हादसा हो गया, जहां पर साइकिल से आ रहे राहगीर को बचाने के दौरान बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके चलते बाइक सवार को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं राहगीर ने घायल बाइक सवार को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसको प्राथमिक इलाज के बाद घर भेजा गया है। वहीं प्रतापगढ़ के कुंडा में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते 2 पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई है। एक पक्ष की तरफ से बुलाने पर पहुंचे लोगों ने दूसरे पक्ष के महिला और पुरुष की पुलिस के सामने जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने, प्रतापगढ़ की तस्वीरें, 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने और लोगों को बुला लिया, जिसके बाद महिलाओं और पुरुषों को जमकर पीटा गया है, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो पुलिस के सामने एक दूसरे को पीटते रहे लोग, लेकिन पुलिस हताश और निराश खड़ी रही। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर वायुसेना का पहला C-17
ग्लोब मास्टर करीब 200 छात्रों को रोमानिया से लेकर भारत पहुंचा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया। नई दिल्ली की रहने वाली छात्रा ने बताया कि उनके सामने ही कुछ छात्रों के साथ यूक्रेन में मारपीट हुई थी। इसी के साथ भारत सरकार का उन्होंने आभार भी जताया है। तो तस्वीरें यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको लाने की तैयारी सरकार ने पूरी की हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत जत्थेवार तरीके से सभी छात्रों को वापस लाने की मुहिम तेज हो गई है। सर, हमें रोमानिया से एयरलिफ्ट किया गया है। रोमानिया में एयरपोर्ट है बुचारेस्ट ओटपिनी, वहाँ से हम एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया है और हम लोग इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से आए हैं जो कि यहाँ पे है हिंडन में, हिंडन एयरपोर्ट के अंदर। जी अच्छा, जब आपका सफर रहा तो उस दौरान आपने भारतीय झंडे का भी इस्तेमाल किया था? सर, एक्चुअल में हुआ ये था, जो इंडिया की आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसके थ्रू अगर आप ट्रैवल करेंगे और इंडियन फ्लैग्स लगाएंगे उस पर लिख देंगे कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब ऑन द वे स्टॉप नहीं करेगा। तो जब हम अपने फ्लैट से निकल रहे थे रोमानिया बॉर्डर के लिए, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए, तो वहाँ पे हमने उसका यूज़ किया था। हमने हाथ से ड्रॉ किया था इंडियन फ्लैग और वहाँ पे लिखा था इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जो इतना सर्वाइव किया, 8 दिन से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने बच्चों से मिलकर। पर मैं यही चाहूँगी कि बाकी बच्चे भी आ जाएँ, सब अपने घर पहुँच जाएँ सेफली। यूक्रेन में युद्ध शुरुआत, फंसे हुए थे, तो उस वक्त का कैसा हालात था और किस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही थी, मन को भी संभालना पड़ा होगा? सर, बच्चा हमें हर बार बच्चा हमें यही कह रहा था कि हम काफ़ी पैनिक हैं और हम परेशान हैं, घबराए हुए थे बच्चे भी और पेरेंट्स भी। सर, हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो ज़्यादा ही डर लग रहा था बच्चों को देखकर। इनके आसपास धमाके हो रहे थे, अटैक्स पड़ रहा था। सर, बच्चों के पास खाने पीने की प्रॉब्लम थी, रहने की प्रॉब्लम थी और बस बच्चे परेशान थे। मेरठ में सराफा कारोबारी ने तनाव में आकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद पर गोली चला दी। वहीं परिजनों ने आनंद फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने रिवॉल्वर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। कल शाम करीब 5:30 बजे थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में एक ठठेरवाड़ा मोहल्ला पड़ता है जहां पर सुभाष वर्मा नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में सूचना है कि उसने अपने को गोली मार ली है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस गई और पुलिस ने देखा कि वो अपने घर में ही फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके वहां पर भांजा था और उसकी माँ मौजूद थी। उन लोगों से पूछताछ किया गया तो पता चला कि इन दिनों ये काफ़ी तनाव में रह रहा था। उसका पत्नी से भी विवाद था और प्रॉपर्टी को भी लेकर विवाद चल रहा था अपने भाइयों से। इन सब चीज़ों के कला के वजह से वो अपने आप को गोली मार लिया। जो पिस्टल रिवॉल्वर जो इस्तेमाल हुई थी वो पता चला लाइसेंसी है और उसी के नाम पे थी, उसको भी रिकवर किया गया। और ये सारा माल पिताजी का और जो कारीगरों का गिरवी वगैरह ये सब लेके यहाँ पे आ गए थे। इनमें बंटवारा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये 8-10 जने थे, उसको लेकर ये डिप्रेशन में था। जिसने इसका माल ले लिया उसने दिया नहीं। अभी मैं ये नहीं कह सकता इसने आत्महत्या की है या छीना झपटी में इसके गोली लगी है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। घटना उसने सुसाइड ही किया है, क्योंकि मैं सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन माँ से मिलने, अपने भाई से मिलने आती थी, तो वो कहता था मैं मर जाऊँगा, लोगों से उधार पैसे मांग मांग के अपना गुजारा कर रहा था। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, तू हिम्मत मत हारे, ये समय शांति से गुजर जाएगा, लेकिन वो बार बार अपनी हिम्मत हार रहा था। कई लोगों ने उसके साथ में धोखा करा, उसका पैसा मार के खा लिया और बड़े भाई ने भी उस पर मुकदमा कर रखा था, झूठा जो भी है संपत्ति के चक्कर में कैसे भी। तो इस कारण वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत से घर के तनाव, बच्चों का भी तनाव, बच्चों को भी खर्चा देना, पत्नी से तलाक हुआ हुआ है ही। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में खेत में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। रामलीला यादव इनकी हत्या के लिए इनके परिवारी जन द्वारा सूचना दी गई कि नहर के किनारे गाँव के बगल में माहेमन गाँव पड़ता है, उनकी जेब बारी कर दी है। सूचना पर तत्काल मौके पर शव को कब्जे में लेके पीएम के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी घटना में इन्वॉल्व होगा उसको वर्कआउट करके फिर कार्रवाई की जाएगी।
बांदा में अनियंत्रित तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। क्षेत्र में एक डंपर के द्वारा जो है कि गति अनियंत्रित होने के कारण चौराहे से टकरा गई और इसमें महाराणा प्रताप जी की मूर्ति टूट गई है। यहाँ के लोगों के द्वारा मांग की जा रही कि इसे इससे पुनः बनाकर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। ऑलरेडी इस चौराहे के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव हो चुका है और ये पूरा रोड का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण हो रहा है। बदायूं के दातागंज विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी ने अपने ऊपर लगाए गए अपहरण के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि एक महिला को बचाना ही हमारे लिए मुसीबत बन रहा है। बीएसपी प्रत्याशी ने बताया कि विवाद एक महिला और दिनेश चंद गुप्ता के बीच हो रहा था। दिनेश चंद गुप्ता शराब के नशे में धुत थे, हमने महिला को इसके चुंगल से बचाया, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण हम पर अपहरण का आरोप लगाया गया। शराब के नशे में थे और एक महिला के साथ, दलित महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार कर रहे थे, अव्यवहारिक कार्य कर रहे थे। मैंने बस उनको रोका और उन्होंने मेरे रोकने के बाद खुद भी मुझसे भी अव्यवहार किया और उन्होंने एक मुझ पर आरोप दूसरा भी लगाया है कि मैंने। और यार करें बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good want afternoon to... everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में।
डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। फिरोजाबाद में 13 फरवरी को खतराना मोहल्ले में कारीगर के घर में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की, जिसके बाद चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूट के सामान के साथ नकदी और हथियार भी बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। एक सराफा ज्वेलर्स है, उनके घर में ये दो अभियुक्त घर के अंदर कूदे। इन्होंने वहाँ से 3 जोड़ी तोड़िया चुराई और एक डंडे से उनके पति पे सर पे वार किया। इसमें 5 अभियुक्त की मिलकर, 2 ने रेकी की थी और 5 लोग पूरे इन्वॉल्व थे इसके अंदर। तो इसमें SOG की टीम और हमारे थाना प्रभारी मिलकर इन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इसमें 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले क्या घटना की है या पहली बार घटना की है? इस तरह के अपराधी हैं ये पहली बार घटना करने वाले अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया था। यूक्रेन में फंसा गाजियाबाद लोनी का छात्र शिवम भारत सरकार के प्रयासों से सकुशल भारत वापस आ गया है। वहीं छात्र के आने से परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र ने वहां की आपबीती बताई और सभी फंसे छात्रों को भारत सकुशल वापस लाने की अपील भी की है। यूक्रेन में पिछले 14 दिनों से फंसा हुआ था, वहाँ का माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वहाँ पे ऐसा मंजर था कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग जो थी वो भी हमारे सामने ही तबाह हुई थी और गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी है। एम्बेसी वालों ने हमसे लगातार हमारे कॉन्टेक्ट में रहे, हम तक खाना भी मुहैया कराया। उन्होंने गवर्नमेंट ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स करा, उन्होंने एम्बेसी वालों के नंबर हमारे तक पहुँचाए। अगर वो नंबर लोकल नंबर नहीं मिलेगा तो उन्होंने व्हाट्सअप नंबर भी हमें पहुँचाए गए। व्हाट्सअप कॉल पर हमारी बात हुई उनसे, फिर उन्होंने वहाँ से बस के थ्रू हमें निकाला एम्बेसी वालों ने और फिर वो हमें हंगरी लाए। हंगरी ला के उनका बेस्ट एयरपोर्ट पर। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में ग्राम खुशीलापुर में जिला पंचायत सदस्य बाबूराम और उनके परिवार को बम से उड़ाने और जान से मारने की धमकी के साथ ही 20 लाख की रंगदारी की मांग भी की जा रही थी, जिसके संबंध में पीड़ित पक्ष की तरफ से पुलिस को अवगत कराया गया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की तरफ से मिली सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, ये थाना बिहारीगढ़ में गांव पड़ता है खुशालीपुर, वहीं पर 22 तारीख को एक हम लोग को सूचना मिली थी कि वहाँ के प्रधान हैं, जो उनका नाम है बाबूराम, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इनको एक पत्र मिला धमकी भरा, जिसमें कि इनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और उसमें इनको और इनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिस पर कि हम लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लेकर और इसमें जो हम लोगों ने CCTV जो है वहाँ पर इंस्टॉल करवाई और CCTV में दोबारा वो आदमी जब हमको नज़र आया तो उसमें और हमारे पास उस आदमी की पहचान की गई और सूचना हम लोगों मुखबिर तंत्र को लगाया गया। तो ये एक आदमी भगवानपुर गांव जो हरिद्वार में पड़ता है वहाँ का निकला। कुशीनगर के पडरौना विधानसभा क्षेत्र के फुलवारी दरबार निवासी सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि उनके घर में 5 वोटर हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में इनके पूरे परिवार का नाम कट गया है, जिससे वो वोट देने से वंचित रह गए। उनका कहना है कि मतदान अधिकारियों से बात की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी भाजपा की सरकार थी, भाजपा के मंत्री यहाँ थे और इस समय जो है कि सपा चले गए हैं,
भाजपा की सरकार होती है क्या मामले का विकास हुआ कि नहीं महिलाओं के लिए जो महिला महिला सरकार जरूरी है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।